जंगल का किनारे एक छोटा सा गांव था और उस गांव में दो एक बुड्ढा और एक बुड्ढी रहता था और उसी जंगल का पीछे गांव का पीछे में दो तीन चार बंदर रहता था। बूढ़ी आदमी ने बोला बोरा को, चलो बोरा आज हम लोग आलू का खेती करेगा। और वो दोनों आलू लगाने के लिए खेती में गया। जब दोनों ने आलू लगाना चालू किया उसी वक्त दोनों बंदर ने आया और आंटी बोल के बुलाई। बूढ़ी ने बोला, क्या हुआ बंदर भाई, कुछ खास खबर है क्या? बंदर ने बोला, हाँ जी आप लोग जो आलू लगा रहा है वो आप लोग पहले आलू को बॉईल करो, बॉईल करने का बाद में लगाओ तो ज़्यादा आलू उगलेगा और अच्छा होगा, खेती भी बढ़िया होगा। दोनों बोरा और बोरी ने सोचने लगा और सोचने के बाद में ये तो सही बात है, आलू बॉईल करके लगा। और जाके दोनों ने आलू को ठीक से बॉईल किया, उसका बाद में फिर सुबह आके उसी दिन लगाना चालू किया। बंदर ने पूछा, क्या आज बॉईल किया? और बोरा और बोरी ने बोला, हाँ बंदर भाई आज हम लोग बॉईल करके लगा रहे हैं। जो बोरा और बोरी शाम हो गया घर चल पड़ा, उसी वक्त दोनों बंदर ने आया, उसका बाद में जितना बॉईल करके लगाया हुआ आलू सब खा के ख़त्म करके वापस चला गया। जब सुबह होने का बाद में बोरा और बोरी ने दोनों आया आके देखा तो जितना बंदर था वो सब आलू खा के ख़त्म हो गया। तो बोरी ने रोना चालू किया। फिर बोरा ने दिमाग लगाया, बोरी को बोला, तुम रोने का ढंग करो, जब तुमको देखने आएगा दोनों बंदर तीनों बंदर तब हम लोग दरवाजा पीछे से अपन कर देना। बोरी ने बोरा को बोला। बूढ़ी का रोते हुए सुनकर दोनों बंदर ने आया और पूछा, हाँ अंकल जी क्या हुआ? बूढ़ी ने बोला, आज रात में बोरा मर गया। वो सुनकर दोनों बंदर ने देखने के लिए अंदर घुस गया। घुसने का बाद में क्या हुआ, बुरहा ने पीछे से दरवाज़ा बंद किया और बुरहा और बुरी दोनों मिलके बंदर को खूब धुलाई किया। हेलो गाइस, ये कहानी कैसे लगा आप लोगों को? और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो।